फ्रेंड्स, मैं हूं उर्वशी और आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आई हूं। मेरी स्टैचू ऑफ यूनिटी विजिट का, जो है यूनिटी ग्लो गार्डन का। तो आपने देखा मेरे लास्ट वीडियो में कि हम लोग गए थे स्टैचू ऑफ यूनिटी, वहां पे स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रीमाइसेस पे, देन अलोंग विद स्टैचू एंड आसपास की प्लेसेस पे हमने फोटोज खींचे, वीडियोस बनाए। देन वहाँ पे हमें लग गया था आई गेस 1.5 घंटा तो लग गया था। उसके बाद हम लोग गए यूनिटी ग्लो गार्डन के लिए, उसके लिए बस पकड़नी पड़ी। एंड ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी कल, कि जो भी बसेस अवेलेबल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड मंडे को स्टैचू ऑफ यूनिटी बंद रहता है। तो ये खास ध्यान रखिएगा जब आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए प्लान कर रहे हैं। तो अब हम निकल पड़े हैं यूनिटी ग्लो गार्डन जाने के लिए। ये रहा यूनिटी ग्लो गार्डन। ग्लो गार्डन नाम, फ्रेंड्स मैंने आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो पहला वीडियो मैंने बनाया था स्टैचू ऑफ यूनिटी विजिट का, उसमें टिकट कॉस्ट वगैरह बता दिया था। आजू बाजू की जो भी प्लेसेस एक्सप्लोर करने की है उसका। अब यूनिटी ग्लो गार्डन का एक बार फिर से आपको मैं बता दूं, फॉरेनर के लिए चार्ज रहेगा 500 रुपीज़, फॉर एमेच्योर कैमरा फॉर फोटोग्राफी दैट इज़ फॉर एक्सेप्ट मोबाइल। ओके, अगर मोबाइल के अलावा आपको कैमरा से भी फोटो लेना है तो उसके लिए कॉस्ट है 40 रुपीज़। अगर आपको वीडियो लेना है मोबाइल के अलावा आपके कैमरा से तो उसके लिए चार्ज है 125 रुपीज़। फॉर चाइल्ड फ्रॉम 3 ईयर्स टू 15 ईयर्स रेट रहेगा 50 रुपीज़। एडल्ट के लिए प्राइस है 100 रुपीज़। फॉर प्रोफेशनल कैमरा दैट इज़ DSLR कैमरा, फोटोग्राफी के लिए चार्ज है 200। फॉर वीडियोग्राफी इट्स 3,500। सो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ऑपरेशनल टाइम ऑफ यूनिटी ग्लो गार्डन जो है वो है 8 AM टू 10 PM। अब यूनिटी ग्लो गार्डन को आप आराम से देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें एंड हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक और चीज़ फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा भीड़ जो यूनिटी ग्लो गार्डन में थी वो यहाँ पे थी। ये देखिए मून बना हुआ है, ऐसे 2-3 जगह पे मून बने हुए हैं। साथ में वहाँ पे पास में बैठने के लिए सीट भी है, तो सब लोग मून के साथ काफ़ी फ़ोटोज़ खिंचाते हैं। और सबसे ज़्यादा भीड़ मुझे वहीं पर महसूस हुई। आप मेरे वीडियो में देखेंगे हम लोग ने भी वहाँ पे ही काफ़ी समय बिताया फोटोज़ एंड वीडियोस क्लिक करने में। देन बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी हैं, बट जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मुझे लगा वो था ये मून। तो उसके साथ ज़रूर से फ़ोटो खिंचाए। बाकी सब एनिमल्स एंड फ्लावर्स तो आपको देखने को मिलेंगे ही। तो चलिए वीडियो एंजॉय कीजिए आप। बाय। एंड हाँ, जैसे कि मैंने कहा, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।